ये देखो भाई कृषि मंत्री संजीव वालियान जी का काफिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों जो हमारे कृषि मंत्री है भारत के संजीव वालियान जी, सांसद भी है अभी भी, उनकी तरफ से एक मुजफ्फरनगर में ये पशु प्रदर्शनी एवं किसान मेला का आयोजन किया हुआ है। आज ये 6 तारीख और 7 तारीख अप्रैल में 2 दिन का है, तो उसमें हम अभी घूम रहे थे तो मज़ा आ गया घूम के। तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों को भी एक बार दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या है। एक से एक बेहतरीन मशीनरी है, एक से एक पशु आए हुए, 10 करोड़ का जोटा, 12 लाख की भैंस, ऐसे ऐसे आइटम यहाँ पे होंगे। चलो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों ये देखो, ये और का आयोजन पशु प्रदर्शन मेला। देखो ये भैया है यहाँ पे, ये हमें बताएंगे यहाँ की सारी डिटेल लगभग पीछे कौन कौन सी मशीन है भैया। ये गड्ढे द्वारा गंदे लगाने वाले दिखाता हूँ। वैसे तो आप बोर्ड पे देख सकते हो मेरे पास सारी मशीन अवेलेबल है। अच्छा, ये आपका ही लगा हुआ है क्या सारा? जी सारा मेरा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए? मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। सकोती और खतौली 2 ब्रांच है मेरी। अच्छा जी, सकोती और खतौली में 2 ब्रांच है। जी 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 जी। और ये सारा जितना भी आइटम लगा हुआ है ये सब यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल, जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये सारे बनाते हैं। कुछ मशीनें यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, अगर अवेलेबल है मैं उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। यहीं से कर देते हैं शुरुआत। ये क्या है सामान है भाई? ये है हमारा ट्रेंचर मशीन। ये इस तरीके से अच्छा, आप देख सकते हैं, नाली खोदता है। ये नाली खोदने वाली है जो, अच्छा वो पाइपलाइन जो, जी जी जी, पाइपलाइन के लिए आती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री योजना भी चल रही है जिसमें हर घर स्वच्छ पानी जाने का अभियान चल रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत उसके लिए भी एक मशीन है ये। हाँ तो ठीक है, ऐसा तो सड़के बड़के फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जी 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 जी, बहुत बढ़िया आइटम है यार ये। आप देख सकते हो पूरी मशीन। अच्छा आ जाओ आके देखे, ये इधर सारा आपका है क्या? ये हमारा एक और मॉडल है जो डबल डिगर बोलते हैं जिसको। अच्छा, आप इसमें क्या करते हैं जो गड्ढे द्वारा गन्ना जो टंच विधि द्वारा, टंच विधि इसी को बोलते हैं। जी जी जी, टंच विधि, पिट्टी विधि, अच्छा वो बोलते हैं इसको। टंच विधि आप देख पा रहे हैं, अगर ये जो गैप है इसमें आप कोई और फसल भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें इसकी क्या कीमत रहती है भाई? इसकी है 60,000 रुपए भैया। 60,000, और उसकी उसकी है 5 लाख रुपए। अच्छा 5 लाख, ये 5 लाख रुपए है ये 60,000। ठीक, ये क्या है भाई? ये है हमारी ईंट बनाने वाली मशीन। अच्छा ईंट बनती है इससे? जी जी, जो कि भट्टों पे यूज होती है। इसके साथ साथ हम गारा बनाने वाली मशीन भी बनाते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं। ईंट बनाने वाली मशीन देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हमने डिस्प्ले के लिए फिलहाल लगी। अच्छा, 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 ये सब इसी से बनी हुई? जी 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 जी, बनती है जबरदस्त। ये भी हमारी मशीन से अगर आप देख पा रहे हैं इधर। अच्छा ये अलग है वो अलग थी सारी? ये सब मशीन है, ये लोडर है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड वगैरह। अच्छा आप खुद भी, आपके पास है कोई अलग से कुछ बनवाना चाहे कुछ बता के? जी जी आप बनवा सकते हो वो भी बनवा। कुछ आपकी ऐसी मशीन्स हैं जो आप बनवाना चाहते हैं मॉडिफाई कर सकते हो तो आप वो बनवा सकते हैं। बढ़िया, कुछ लोग बाग आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के यहाँ पे सामान है, ट्रैक्टर भी है, वो सारे दिखाएंगे आपको। पहले इधर ही घूम लेते हैं। अच्छा ये इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा यहाँ पे आके वो करवाने के लिए, किसी को कुछ सामान लेना है तो उसकी जानकारी। ये क्या सिस्टम है भाई? ये क्या है? अच्छा मछली पालन का वो है क्या वो? हाँ, अच्छा जवाब में क्या पता नहीं क्या तालाब से बना दिया। अच्छा मछली भी यहाँ आ रही है? मछली पालन अब नहीं, गर्मी कर सकते मछली पालन। अच्छा जबरदस्त टेक्नोलॉजी। कितनी कॉस्ट है भाई इसकी? 50,000 रुपये सर। 50,000 रुपये ये अगर किसी को लेना। अच्छा टीन का है भैया। देखो ये बताएंगे हमें मछली पालन के तालाब की पूरी जानकारी, बताइए भैया इसके बारे में थोड़ा। भैया 5 मीटर का टैंक है। 5 मीटर का? जी। अच्छा इसमें 1200 किलो मछली आपके आ जाएगी। 1200 किलो? जी। या 1200 मछली? 1200 किलो। 1200 किलो, अब वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो 1200 किलो तक। जी। अच्छा अच्छा, 50,000 की कोशिश है, चाहे घर में लगा लो चाहे खेत में लगा लो चाहे जहाँ मर्जी लगा लो। इसमें क्या क्या सामान है? फ्लोर को ऑक्सीजन दिया जाता है मोटर का। अच्छा ऑक्सीजन ताकि मछली को ऑक्सीजन मिले। अच्छा अच्छा, मछली सेफ रहे। अच्छा मोटर लगा हुआ है इसमें नीचे, पाइप से छोड़ रखे इनसे वो लगता रहे। और पानी वानी कैसे चेंज हो? इनसे ही हो जा सर, पानी अब चेंज कर देते हैं भाई। इनका कार्ड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लियो, जिसे चाहिए संपर्क कर लियो। ओके।